हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद और इलाहाबाद बैंक से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपका भी अकाउंट इलाहाबाद में है और आप जानते हैं कि इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है और आपको जो है आपके इंडियन बैंक वाला IFSC कोड आपको पता नहीं है, तो कैसे पता करना है कि आपका जो नया IFSC कोड क्या है वह कैसे पता करें, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का लिंक दिखेगा। फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है इंडियन बैंक का, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये नया पेज ओपन होगा जो इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक का जो है वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको ओपन कर लेना है। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है नो योर IFSC कोड एंड MICR कोड। सिंपली आपको इस पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नया टैब में ओपन होगा, जैसा कि हमारा ये ओपन हो रहा है। चलिए ओपन होने तक हम वेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये पेज ओपन हो चुका है, अब वो सिंपली क्या करना है, यहाँ से थोड़ा इसको स्क्रॉल करके धीरे धीरे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं, इस तरह से आप भी नीचे आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, सर्च बाई ओल्ड IFSC कोड, ब्रांच नेम, ओल्ड ब्रांच कोड, यानी आपको तीन ऑप्शन दिया गया है। इस तीनों में से कोई भी चीज आपके पास है तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आसान जो तरीका होगा कि आपके पास जो है पुराना पासबुक होगा इलाहाबाद बैंक का, उस पर आपका IFSC कोड लिखा होगा। सिंपली वो IFSC कोड आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है। जैसे मैं डाल देता हूँ, उसको डालने के बाद क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। डालने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे जो है ब्रांच का डिटेल आ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जो है आपका ब्रांच का नाम दे देगा इस तरह से, जैसे हमारा ये ब्रांच का नाम दे दिया, और यहाँ पे आपका पुराना वाला IFSC कोड होगा और बगल में उसके जो है नया IFSC कोड जो है शो कर जाएगा, और इसके साथ साथ आपका जो है नया MICR कोड भी सर्च कर देगा, और जैसे ब्रांच का जो पुराना कोड है ये भी दिखा देगा, इसके साथ जो नया कोड जारी किया गया है वो भी जारी इसमें शो कर जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इलाहाबाद बैंक का जो इंडियन बैंक मर्ज हो चुका है तो आप जो है इसका IFSC कोड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।